सिंपल स्मॉल थ्री बेडरूम हाउस प्लान डिज़ाइन। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है थ्री बेडरूम हाउस प्लान डिज़ाइन। 8 फीट 6 इंच हाइट तक हम इसको पहले हाइट पर रखेंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक एक रूम का अंदर इसको करना है डिज़ाइन। तो 8 फीट 6 इंच है, तो यहाँ पर हम लेंगे इसको 7 फीट हाइट तक। 7 फीट हाइट तक करने के बाद यहाँ पर हमें एक डोर ऐसे क्रिएट करना है, मेन डोर। तो उसके बाद यहाँ पर हमें GL to PL, उसके बाद यहाँ पर इतना लेवल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट इधर हम ऐसे यहाँ पर रेफरेंस लाइन ऐड करने के बाद बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद इसका डेप्थ हम 4 फीट 6 इंच रखेंगे। तो इधर भी हमें इसको सेटिंग करना है, ठीक है। ऐसे सेट करेंगे 4 साइड में, ओके। कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको ऐसे सेटिंग करना है। तो सेटिंग करने के बाद हमें GLPL हाइट और इसका जो विंडो लेवल, यहाँ पर हमें रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका हम रेडी कर दिया है। यहाँ पर जो शेड है उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो बाद में हम इसको भी यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे थ्री बेडरूम के साथ जो डिज़ाइन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लाइन है इसको हमें करना है यहाँ पर सेटिंग ऐसे GL to PL। नेक्स्ट यहाँ पर GL to PL यहाँ पर रेडी करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर जितना भी हमें मिला है ऐसे, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसे विंडो पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो विंडो हमें जितना जगह मिलेगा विंडो के लिए, हम उधर ही विंडो ऐड करेंगे ऐसे। और विंडो के बाद यहाँ पर जो हमें थ्री रूम मिला है, इस रूम को भी हमें सेटिंग करना है क्योंकि इसके अंदर हमें विंडो चाहिए। तो विंडो हम 4 साइड में दिखाएंगे, जस्ट एक आइडिया आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा साइड में आपको विंडो चाहिए। जिस साइड पर चाहिए उसी साइड पर आप विंडो को सेट कर सकते हैं। इसके हिसाब से हम यहाँ पर विंडो ऐड करेंगे, ठीक है ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम विंडो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर विंडो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर, हम यहाँ पर भी विंडो ऐड करेंगे। तो इतना कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, GLPL पोजीशन भी यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे बाद में। यहाँ पर जो स्टेयर है इसको हमें सेट करना है, इसलिए यहाँ पर जो विंडो है इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके बारे में जो चीज़ है इसको हमें बाद में हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। इधर से इतना तक चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। पहले हमें यहाँ पर स्टेयर ऐड करना है, उसके बाद बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमने जो देखिए जो डिज़ाइन किया है यहाँ पर, इस टाइप का डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके अंदर हम कलर भी ऐड कर सकते हैं हॉल के अंदर, तो बाद में हम दिखाते हैं इसको। एक बेडरूम यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो किचन है यहाँ पर हमें इतना तक इसको टेरी करना है, ओके। इसके बाद यहाँ पर डोर आएगा, यहाँ पर विंडो आएगा। तो थ्री बेडरूम के साथ ही यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है, 3D ड्राइंग ऐसे यहाँ पर हमने रेडी किया है। तो देखिए हम यहाँ पर जो सोफ़ा सेट किया था इसको हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। आने के बाद हम सोफ़ा इसके नीचे सेट कर सकते हैं। तो इसको रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे, इधर हमने रोटेट कर दिया, ठीक है इसको इधर। तो ऐसे करके हम इसका भी डिज़ाइन यहाँ पर सेट करेंगे। तो हमें जो फाइनल डिज़ाइन है 3D का, इस टाइप का डिज़ाइन दिखाई देगा। 1 to 3 बेडरूम, किचन, टॉयलेट, स्टेयर और क्या है इसके अंदर, ऐसे रहेगा टॉप से, ओके। फ्रंट से देखेंगे तो आपको इस टाइप का डिज़ाइन दिखाई देगा। तो 3D के साथ ऐसे डिज़ाइन हमने किया है यहाँ पर। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसके अंदर का जो पार्ट है इसको आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ ऐड किया है। टेक्निकल डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं।
30 फीट बाई 27 फीट हाउस प्लान डिजाइन। तो इसके अंदर जो यहाँ पर देखिए 10 फीट 4, यहाँ पर 11 फीट, यहाँ पर 13 फीट 1 इंच, यहाँ पर 12 फीट 8 इंच, यहाँ पर 11 फीट, क्या है इसमें? बेडरूम, बेडरूम यहाँ पर। ओके, इसको हमें यहाँ पर सेटिंग करना है, यहाँ पर सेटिंग करना है, यहाँ पर सेटिंग करना है। तो 3 बेडरूम है यहाँ पर। उसके बाद देखिए किचन यहाँ पर जो रूम है 7 फीट, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 9 फीट 8 इंच, नेक्स्ट यहाँ पर 7 फीट 8 इंच, और यहाँ पर 17 फीट 9 इंच, क्या है यहाँ पर? TWG एंड DINING, डाइनिंग ड्रॉइंग, डाइनिंग यहाँ पर हमने रेडी किया है। उसके बाद देखिए बाथ एंड लेट्रिन यहाँ पर है जो कॉमन रहेगा। उसके बाद देखिए एसटीआर हॉल यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर किचन, किचन रूम यहाँ पर, यहाँ पर किचन। तो उसका इसका इसका जो मेजरमेंट है यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट 8 फीट, यहाँ पर 5 फीट, और यहाँ पर मेन गेट का जो मेजरमेंट है यहाँ पर 4 फीट 4 इंच। ओके, तो स्टेयर के लिए हमें कितना जगह चाहिए? देखिए 5 फीट इधर लिया है, यहाँ पर 3 फीट, टोटल जो लेंथ है यहाँ पर 8 फीट 10 इंच, और यहाँ पर जो लेंथ है 8 फीट। ओके, ये देखिए यहाँ पर 8 फीट ऐसे रखा है। तो इसके अंदर आप डिज़ाइन ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर ये ऐड करते हैं, यहाँ पर कॉलम एंड फाउंडेशन ले लिया। जहाँ पर आपको कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर ही हमें फाउंडेशन ऐड करना पड़ेगा। फाउंडेशन कितना साइज का आएगा? फाउंडेशन हाँ, आप यहाँ पर 5 फीट 5 फीट एंड 5 फीट, 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर का यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ऐसे हम फाउंडेशन यहाँ पर और कॉलम यहाँ पर रेडी करेंगे, ठीक है। चलिए इसका जो आउटसाइड इनसाइड वाले, यहाँ पर 5 इंच का वॉल है, टोटल कितना कॉस्ट आएगा? 30 × 27, 810 स्क्वायर फीट है। तो इसका टोटल कॉस्टिंग इतना स्क्वायर फीट है, तो कॉस्टिंग कितना आएगा? 1500, 12,15,000 रुपीज़ यहाँ पर खर्च आएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। हमने रेडी कर दिया है। तो जो इसके अंदर जो देखिए टॉयलेट एरिया है, घर के अंदर आने के बाद, घर के अंदर आने के बाद आपको इधर से घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक सोफ़ा सेट। उसके बाद अंदर आने के बाद यहाँ पर दो सोफ़ा सेट ऊपर, और यहाँ पर एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर है, बाथ एंड लेट्रिन देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा। ओके, यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन हमने किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऐसे डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, हम टॉप से अगर देखेंगे तो इस टाइप का। तो यही था प्लान और डिज़ाइन। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।